तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए जो वैकेंसी आई थी, इसका फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो चुका है आज से। मैंने कुछ दिन पहले इसका नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको हम बता दिए थे कि इसका फॉर्म भरना जारी जब भी होगा, तो आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम बता दें किस तरह आपको अप्लाई करना है और आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलने वाला है। तो मैं आज वो वीडियो बताने वाला हूँ किस तरह अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले मैं नोटिफिकेशन एक बार क्लियर समझा देता हूँ कि इस फॉर्म में टोटल पोस्ट कितना है, एज लिमिट क्या है, फी क्या है, जो लोग नहीं देख पाए थे इसमें थोड़ा जानकारी देते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस तरह फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दें ये इसमें जो असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी की जो वैकेंसी है इसके यहाँ पे जो टोटल पोस्टों की बात किया जाए, टोटल पोस्ट 1455 जो टोटल पोस्टों की वैकेंसी है, टोटल पोस्टों की बात किया जाए कितना है, टोटल 1455 जो टोटल पोस्टों की वैकेंसी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था। जो लोग नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग हमारे चैनल पर जाके नोटिफिकेशन का वीडियो चाहें तो देख सकते हैं, ताकि जो है जो लोग नोटिफिकेशन क्लियर समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहले नोटिफिकेशन कहाँ से लाए आपको हम उस वीडियो में बता दिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन में इसमें असिस्टेंट टीचर नर्सरी की वैकेंसी है, जिसका पोस्ट कोड जो है 817/23 जो है। टोटल पोस्टों की बात किया जाए 1455 टोटल पोस्टों की वैकेंसी है। कैटेगरी हिसाब से बात किया जाए यूआर कैटेगरी में 614 पोस्टों की वैकेंसी है, ओबीसी में 370 पोस्टों की वैकेंसी है, एससी में 198 पोस्टों की वैकेंसी है, एसटी में 115 पोस्टों की वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 151 पोस्टों की वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी में 67 पोस्टों की वैकेंसी है। टोटल पोस्टों की बात किया जाए 1455 पोस्टों की वैकेंसी है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं और आपको बताते हैं इस फॉर्म को भरने का, जैसे कि बात किया जाए क्वालिफिकेशन के लिए, जैसे असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल लोग जो अप्लाई करेंगे जिसमें 1261 पोस्टों की वैकेंसी है, इसका क्वालिफिकेशन की बात किया जाए जो लोग बीएड किए हुए हैं वही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा वो लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें एज लिमिट की बात किया जाए तो 30 साल तक के लोग जो फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और अगला पोस्ट जो था असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के तहत आएंगे, जिसमें 120 पोस्टों की वैकेंसी है, इसमें भी जो बीएड की डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपके पास बीएड की डिग्री है तो ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। और इसका एज लिमिट की बात किया जाए इस फॉर्म को भरने के लिए भी 30 साल तक के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने की फ़ी की बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने में क्या फ़ी लगने वाला है। और सबसे पहले स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट आपको हम सारा चीज़ हम बता देंगे। तो सबसे पहले इसके फॉर्म में जो है 9 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट की बात किया जाए 7 फरवरी तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। और फी अगर जानना है तो नीचे करेंगे, फी जिसने मेंशन कर रहा है किसी भी कैटेगरी से आप हैं आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 100 रुपया लगने वाला है। अब सर ये सब जानने के बाद आपको अप्लाई का लिंक कहाँ से मिलेगा, अप्लाई करने के सबसे पहले ऊपर टॉप पर आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे टॉप पे आ जाएंगे आपको एक डायरेक्ट लिंक दे दिया गया, जैसे ये ब्लू कलर का एक लिंक दे दिया गया है, इस लिंक को जैसे आप अपने पेज पे ओपन करेंगे आपको ये लिंक पे जैसे फॉर्म ओपन करेंगे तो दिख जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक आपको एक नया पेज पे ले चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे। क्रोम ब्राउजर पे आने के बाद सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लेना है आपको DSSB, आपको सारा चीज़ हम जानकारी स्टेप बाय स्टेप देते हैं। जैसे DSSB लिख के सर्च कर लेंगे आपको कुछ इस तरह दिखेगा, फर्स्ट में मेंशन करा DSSB, इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना। जैसे इस पर क्लिक करके ओपन हो जाएंगे आप जो है दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन का ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे मेंशन करा दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो अभी जो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो वैकेंसी है इसके लिए यहाँ पे मेंशन करा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करके यहाँ पे वैकेंसी का ऑप्शन दिख रहा है, वैकेंसी का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे वैकेंसी का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे करंट वैकेंसी का ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी दे रहे हैं ताकि आप खुद से भी देख सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक और अप्लाई का लिंक दोनों का लिंक दिया जाएगा, आपको अगर नोटिफिकेशन देखना है तो नोटिफिकेशन देख सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है पोस्ट असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, तो नोटिफिकेशन जानना है तो यहाँ से आप नोटिफिकेशन जो डाउनलोड करके आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जो मैं आपको नोटिफिकेशन बता रहा था वही नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन हो चुका है, ये नोटिफिकेशन आप देख लेंगे। अब रहा फॉर्म किस तरह अप्लाई करेंगे सर, अप्लाई करने के लिए आपको जो एक साइट जो दे दिया गया था, लिंक जो दे दिया गया था, आप डायरेक्ट उसको क्लिक करेंगे तो आप जो है एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं। इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे dssbonline.nic.in पे जैसे क्लिक करेंगे आप इसके ऑनलाइन लिंक पे आ जाएंगे। तो ऑनलाइन लिंक पे यहाँ पे तो हमारा स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ से लिंक तो ओपन नहीं होगा। इसके सबसे पहले आप हम क्रोम ब्राउज़र पे लेके आते हैं, लेके आने के बाद आपको जो सर्च बॉक्स में सर्च लिख लेना DSSB online इस तरह का दिखेगा। इसको हम स्टार्टिंग से आपको एक पेज से दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको नया पेज ओपन कर लेना है, जैसे अगर नोटिफिकेशन ओपन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करना है DSSB online लिख के सर्च कर लेंगे, आपको कुछ इस तरह दिखेगा। फर्स्ट ने मैंशन करा DSSB online
और जो ऑफिशियल वेबसाइट जो था dssbonline.nic.in, तो ये इस पर क्लिक करके आपको ओपन हो जाना। जैसे इस पर क्लिक करके आप ओपन हो जाएंगे, यहाँ पे सबसे जैसे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख रहा है आपका, आप इस पर क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू साइन इन, अगला ऑप्शन दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक है टू न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ से सबसे पहले आपको नाम डालना है, री एंटर नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, री एंटर डेट ऑफ बर्थ, और टेंथ का जो आपका रोल नंबर है वो डालना है, री एंटर टेंथ का रोल नंबर, टेंथ पास कब किए हैं वो सिलेक्ट करना, जेंडर आपका क्या है, नेशनल क्या है, फादर्स नेम, री एंटर फादर्स नेम डालना है, सस्पेंड नेम, मोबाइल नंबर, री एंटर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, री एंटर ईमेल आईडी, अगला जिससे नीचे करेंगे यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कर लेंगे। फिर आधार नंबर देना कंपलसरी है क्योंकि इसमें रेड स्टार लगा, जिसमें रेड स्टार लगा रहता है वो देना बहुत ही कंपलसरी रहता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद सबमिट करें, आपका लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा सबमिट कर लेंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आई होप मेरे पास किसी स्टूडेंट का फॉर्म नहीं रहता है जो मैं फिलअप करके बताऊँ, मेरा काम है सिर्फ आप लोगों तक जानकारी पहुँचाना है कि मैंने जो नोटिफिकेशन का आपका बता दिया था, आपको आज बताना था कि इसको आपको घर बैठे किस तरह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई का प्रोसेस बता दिया, अप्लाई लिंक किस तरह करना है वही बता दिए, फी क्या लगने वाला है एज लिमिट बता दिए। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको सही जानकारी दिया है तो हो सके तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे यह होगा कि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या किसी तरह वैकेंसी आता है सबसे पहले आपको पता चलेगा, उससे जानकारी ले पाएंगे। और हो सके इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आपके ग्रुप में आपके साथी लोग जो बीएड किए हैं उसके लिए फॉर्म जरूर है, वो लोग जरूर अप्लाई कर पाएंगे। हो सकता है आपके लिए फॉर्म नहीं हो, आप बीएड नहीं किए हैं, जो लोग बीएड किए उन लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुँचा देंगे और उनको भी बोल देंगे लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वैकेंसी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब रखें ताकि आने वाले समय में किसी तरह का अपडेट या वैकेंसी होगा सबसे पहले उनको भी पता चल पाएगा, उन जगह ले पाएंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, किसी और वैकेंसी के साथ। धन्यवाद।